हेलो बच्चों, आपके लिए बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। सीबीएसई तो आपको अनलॉक 5 में सरप्राइज पे सरप्राइज देती ही जा रही है, और साथ में अब सीआईएससीई बोर्ड भी आपको सरप्राइज देने लगी है। मीन्स कि सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सिलेबस के बारे में, एग्जाम की डेट के बारे में। और इतनी बड़ी बिग न्यूज है ये कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने के साथ साथ जरूरी भी है जानना। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में पूरे बने रहिए, आगे देखिए कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपने पीछे सुना था कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है। यस, और अब आप सुनेंगे कि आपका सिलेबस 50% रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 50% आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में आपके जो एग्जाम फरवरी में होने हैं, वो भी प्लानिंग चल रही है कि आपके एग्जाम फरवरी में ना होकर मई में हो। यस, आपके एग्जाम सीबीएसई एंड सीआईएससी बोर्ड दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि सिलेबस को 50% रिड्यूस कर दिया जाए, और साथ में 2020-21 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम को 45 से लेके 60 डेज तक के लिए डिले कर दिया जाए। डिले होने वाला है आपका एग्जाम पैंडेमिक की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पाई है ड्यू टू द एनी रीजन, चाहे वो उनकी तरफ से ना मिल पाई हो या स्कूल की तरफ से ना मिल पाई हो। पर ऐसे टाइम में आपको 2 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाना प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। तो ऐसे में पैंडेमिक की वजह से आपको 1 by 1 एक एक सरप्राइज न्यूज मिलती ही जा रही है, जैसा कि अभी मिली थी कि सैंपल पेपर रिलीज हो गया है। अब मिल रही है कि आपका सिलेबस रिड्यूस और भी ज्यादा हो गया है, मतलब 50% सिलेबस रिड्यूस का मतलब है काफी ज्यादा आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। तो 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में एग्जाम आपका मई तक पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ड्यू टू द जस्ट कोरोना वायरस। तो और क्या है इस न्यूज में, आप पूरी वीडियो को देखिए। इस न्यूज में आपको ये भी पता चलेगा कि स्कूल रीओपन कब से हो रहे हैं, उसकी क्या प्लानिंग है अनलॉक 5 में। ये अनलॉक 5 बहुत ही लकी है आपके लिए, क्योंकि ये काफी ऐसी न्यूज लेकर आ रहा है जो आपको राहत देगी। तो ये देखिए कि CISE एंड CBSE बोर्ड ये डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, उनकी डिस्कशन हो रही है, वो फाइनली आपको अनाउंस भी कर देंगे कि हाँ, आपका इस बात पर भी मोहर लग गई कि आपका एग्जाम अब मई में ही होगा और आपका सिलेबस 50% और रिड्यूस हो गया। तो इसके प्लानिंग चल रही है, और साथ में आपके जो स्कूल है वो रीओपन होंगे दोबारा 15 अक्टूबर से। तो जो कंटेनमेंट जोन है उनमें तो सेम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, बट ओपन होंगे वो स्कूल जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, 15 अक्टूबर से ओपन हो जाएंगे। तो आप स्कूल जाएंगे उसके लिए भी आपको बाधित नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। उसमें भी आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो उनकी राय होगी आपके लिए कि आपको जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस तो कंटिन्यू इसी तरह रहेंगी जैसे अभी हो रही हैं। तो आपके स्कूल 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्कूल जाते समय आप अपने कोरोना वायरस के प्रिवेंशन, जो भी उसके बचाव है, उनको फॉलो ना करें। तो टाइमली जो जो प्रिकॉशंस लेनी है आपको, वो आपको लेनी ही है, जस्ट बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके फैमिली मेंबर में हर किसी का स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग भी है, बच्चा भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप बाहर जा रहे हैं तो टाइमली हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन कर रहे हैं। तो यही कुछ बड़ी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि 15 अक्टूबर से आपका स्कूल रीओपन हो रहा है, जस्ट कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, और आपके सिलेबस को 50% रिड्यूस करने की तैयारी चल रही है, और आपका एग्जाम 22 मंथ के लिए मई तक पोस्टपोन हो जाएगा।
तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी सीबीएसई की तरफ से तो मैं आपको सबसे पहले दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ